गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, रात के 10:30 बज रहे हैं और हम सब लोगों का डिनर हो गया। किचन भी हमने अपनी क्लीन कर लिया है, बर्तन वगैरह भी सब साफ कर लिए हैं। यहाँ पर हम सुबह की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे कि इनका मंगलवार का व्रत रहता है ना, तो दूसरे दिन को राजमा चाहिए, आप लोगों को तो अच्छे से पता है। तो यहाँ पर हमने राजमा भी पानी भिगो दिए। इसके बाद देखिए अब कल हम क्या बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बड़ी कटोरी में निकाल लिए हैं चावल, यानी 2 कटोरी के अंदाज से। छोटी छोटी कटोरी में तो हमने उड़द की दाल और चने की दाल निकाल लिया है। पहले हम डालते हैं भगोने में चावल, इसके बाद डालते हैं पानी और फिर हम इसमें डालेंगे उड़द की दाल और चने की दाल और थोड़ी सी इसमें डालेंगे मेथी दाना। तो अब ये तो कल ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम इसका क्या बनाने वाले हैं। और इसके बाद हमने चने की दाल भी डाल दिया, उड़द की दाल भी डाल रहे हैं और थोड़ी सी अब डाल देंगे मेथी दाना और ये रात भर ना अच्छे से फूलेगा। और इसके जैसे आप डोसे बना लीजिए, इडली बना लीजिए और राजमा भी हमारा अच्छे से फूल रहा है। तो ये हमारे रात के अपने काम होते हैं। और अगर हमको सुबह कुछ बनाना है ना, तो रात में हम लोगों को सोचना पड़ता है, हम सब बहनें इसी तरह हम लोगों को इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि कल हमको सुबह से खाना बनाने क्या तैयारी करना है। तो थोड़ी अपने बर्तन हैं इनको भी साफ़ करके रख देते हैं। और इस समय ना हम लोगों का टाइम ना, वैसे तो 9:30 बजे हम लोग सो जाते थे, लेकिन इस समय कभी 10:30 बज जाते हैं, कभी 11 बज जाते हैं। सब लोग आपस में बैठ करके बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पर दूध भी हमारा बॉयल हो गया। चलते हैं रूम में और देखते हैं कि मनु जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये देखिए मनु फ़ोन और घड़ी को कहाँ रखें, तो पहले इनका फ़ोन छुपाते हैं। टाइम ना 11 बज रहे हैं। सो गाइस, हमारी तरफ से भी गुड नाइट, जय माता दी, मिलते हैं आप लोगों से सुबह से। जय माता दी गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं और चलते हैं किचन में कि हमने सुबह से क्या क्या बना करके रख लिया। तो यहाँ पर बन गया है हमारा राजमा, देखिए लोहे की कढ़ाई में हमने बनाया है। वो भी आलू डाल करके जैसे हमेशा बनाते हैं ना, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं राजमा की रेसिपी। और इधर हमारा आटा भी गूंदा रखा हुआ है और जल्दी इधर हमारा चावल भी पक गया है। डालते हैं इसमें हरी धनिया और इसको ना कटोरी में पलट लेते हैं क्योंकि इसमें ना रखे रखे ना काला पड़ जाएगा। जल्दी सेकते हैं रोटियां, निकालते हैं इनके लिए खाना। सुबह ना अगर जल्दी जग जाओ ना तो अपने काम आराम से हो जाती, कोई हड़बड़ी। तो पहले ना हम राजमा को कटोरे में पलट लेते हैं क्योंकि दिखने में ना ये एल्युमिनियम की कढ़ाई दिखती है लेकिन है लोहे की। पहले ना हम भी शुरू शुरू में समझ नहीं पाए थे, हमको लगा एल्युमिनियम की कढ़ाई है। और ये कढ़ाई ना हम लाए हुए थे महोत्सव से, लेकिन अच्छा हुआ कि लोहे की कढ़ाई है। डेली ना जब हम सुबह इनके लिए सब्जी बनाते हैं ना, तो यही वाली कढ़ाई में बनाते हैं। तो जल्दी सेंकते हैं रोटी और पहले लगाते हैं गौ माता का भोग, इसके बाद निकालते हैं पतिदेव को खाना। और नीचे ना पानी गिर गया था, तो जैसे भी पानी यहाँ पर फर्श में गिरता ना, क्योंकि टाइल्स लगी है ना, और जब पानी गिर जाता तो दिखता नहीं है, लेकिन जिस दिन से हम गिरे ना, आप लोगों को पता है कि फ्रिज के पास हम किस तरह गिरे थे, अभी भी ना वो सर में ऐसे गुलम्भा टाइप निकल आया है। लेकिन हाँ, हम बहनों में कुछ ऐसा होता है ना कि दूसरों के लिए हम कितना भी कर दें लेकिन खुद के लिए जल्दी नहीं कर पाते हैं, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। और हमारी बहनें, आप लोगों कमेंट में कहा भी था कि दीदी आप अपना ध्यान दीजिए, डॉक्टर को दिखा लीजिए, दवा कुछ ले आइए, लेकिन हम ये सब कहाँ सुनने वाले हैं। थोड़ी सी ना दूध में हल्दी डाल करके बस पी लिए थे, उससे थोड़ी बहुत हमको आराम मिल गया था। लेकिन हाँ, कुछ हम लोगों में है ना कि जब चोट ऐसी लगे कि ब्लड निकल आए, तब उसके लिए हमको सोचना पड़ता है कि चलो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या मलहम पट्टी करते हैं। तो यहाँ पर हम रोटी जल्दी सेंक लेते हैं और आप लोगों से ना वॉइस ओवर करते समय बताएं कितनी खुशी खुशी हमने अपने पतिदेव को 4 बजे से पूरा खाना बनाए, टिफिन पैक किए। और यार, पतिदेव ना रूम में बैठे हुए थे, जैसे हम थाली लेकर के गए कि पतिदेव ना धोखा दे करके छुमंतर हो गए। और हमने जब फ़ोन किया तो पता चला कि हम ऑफिस निकल लिए। हमने कहा यार, आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? और हम बहने इस तरह लगन से बताइए सुबह से किस तरह बनाते हैं कि हमारे पतिदेव हो, बच्चे, कोई भूखे ना जाएं, क्योंकि जिस दिन अगर कोई भूखा चला जाता है ना, पूरा दिन हम लोगों का बर्बाद जाता है, मतलब कुछ अच्छा भी नहीं लगता। और देखिए सुबह हम क्या, इस समय ना हमारा चेहरा एकदम से उदास हो गया है। तो यहाँ पर हम बच्चों का भी कुछ नाश्ता बना करके रख देते हैं क्योंकि वो लोग भी आ रहे हैं नहा करके। और आज ना एकदम से इतनी खुशी से सब पूरी हमने किस तरह तैयारी किया कि हमको क्या क्या बनाना है।
और इस तरह के पतिदेव होते हैं। तो हमने कहा एक बार आप बोल के तो जाते कि हमको लेट हो रहा है, तो करें ऑफिस से ना कॉल आ गया था बहुत ज़रूरी, इसीलिए मुझको जाना पड़ गया। तो यहाँ पर हम दाल भी पीस करके रख लेते हैं, रेसू भी अभी नहा रही हैं, बच्चे भी सब जग गए हैं, वो लोग भी अपना ऊपर कोई योगा कर रहा है, कोई नहा रहा है। और जब से रेसू आई ना तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बच्चों को भी देख लेती हैं, इतना नीचे ऊपर हमको नहीं करना पड़ता है। हमारी बहनें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपके पतिदेव भी कभी कभी ऐसा ही करते हैं। अगर आप लोग बताओगे ना तो हमको भी विश्वास होगा कि हमारे साथ ही ऐसा नहीं होता है, हम सब बहनों के साथ ऐसे ही होता है। और अधिकतर हम सुनते हैं कि 100 में 2-3 पति ऐसे होते हैं यार कि मतलब हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं। नहीं, आजकल के पतिदेव ना समझते ही नहीं है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी बोलते हैं पूरा दिन तुम लोग क्या करते हो, ऐसो आराम करते हो। तो यहाँ पर हमने दाल भी पीस लिया, और आप लोग समझ सकते हो ना जिनके घर में बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली में रहना पड़ता है, कितने लोगों का आना जाना। तो यहाँ पर हमने आलू भी बॉयल कर लिया। अब बच्चों को कहना था कि माँ मसाले वाले आप डोसे बनाइए, तो चलिए वही हम बना रहे हैं। और अगर कुछ भी बोलने में मिस्टेक हो गई हो ना तो हमारी बहनें हमको माफ़ करिएगा। तो यहाँ पर हमें नारियल की हमको चटनी भी बनाना है, तो गरी भी हमने काट लिया और इसके बाद हमने जार में भी डाल लिया, और हमने मिर्चा डाला है और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डाले। हमारे पास इस समय ना लहसुन नहीं थी, तो हमने कहा अच्छा हुआ कि लहसुन नहीं है, नहीं हमारे लिए ना बहुत ही सोचना पड़ता है। तो चटनी भी हमने पीस लिया, इसके बाद जो हमने आलू छील करके रखा था उसको भी हमने अच्छे से मैश कर लिया, और सिंपल तरीके से इसको ना अच्छे से हम रेड रेड भूंज लेते हैं, जैसे कि कड़वा तेल लिए थे, करी पत्ता लिए थे, और थोड़ी सी ना इसमें राई भी डाल लिए थे। और जो दाल पीस करके हमने रखा था ना, रेशु बोल रही थी भाभी इसमें 2 चम्मच आप दही डाल लीजिए और अच्छे से फेंट लीजिए, हमारे डोसे ना बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब हमने जो चटनी पीस करके रखा है ना उसमें हम तड़का दे रहे हैं, तो थोड़ी सी हमने लिया इसमें कड़वा तेल, राई, करी पत्ता, और चटनी में लगा देते हैं तड़का, इसके बाद ही हमारी टेस्टी चटनी बनेगी। तो ये देखिए तड़का भी हमारा लग गया, अब जल्दी हम बनाते हैं क्योंकि बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हो। अच्छा, वही चीज़ें बनाते हैं ना, तो बनाते बनाते ना ऐसे लगता है कि हम किसी और को नहीं खिला रहे, हम खुद भी खा रहे हैं, और हम बोलते ज़रूर हैं लेकिन हम खाते नहीं हैं। इस बात के लिए रेशु भी जानती, कहती भाभी इतना सारा आइटम बनता है लेकिन अब आप कभी खाते नहीं हो, आपको खाते हुए हम नहीं देख पाते हैं। तो हमारे लिए ना बस खुशी यही रहती है कि हम बना करके सबको खिलाते हैं, पकौड़ी हो या कोई भी आइटम इस तरह का बनाते, लेकिन हम नहीं खाते हैं, हमारा तो सिर्फ उबला हुआ खाना ही रहता है जो हम हमेशा खाते हैं। तो यहाँ पर रेशु रानी भी हमारे साथ लग गई हैं, तो जल्दी बनाते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारे बन रहे हैं, और एक दो ना पहले चांस था कि ख़राब होंगे लेकिन एक भी ख़राब नहीं हुए हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं। हम फेंटते जा रहे हैं, रेशु बनाती जा रही हैं, और जितना इसको फेंट लेंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा, हमारे डोसे बहुत ही अच्छे बनेंगे। और रेशु से हम बताते भी जा रहे हैं कि रेशु आज तुम्हारे भैया ना हमको धोखा दे करके चले गए हैं, तो बोल रहे हैं भाभी क्या हुआ, हमने कहा इतने मेहनत से हमने खाना बनाया, टिफिन पैक किया, और यार रूम में थे बोले भी नहीं हैं और ऐसे चले गए। तो रेशु बोलती कोई बात नहीं भाभी, रहन दीजिए बाहर कुछ ना कुछ खा लेंगे। तो कुछ ऐसी बातें हमारी और नंद भाभी की दोनों की चल रही हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना यार कि पतिदेव इतने शांत भी नहीं होना चाहिए, जबकि मैं बोलती हूँ, मैं हंसती हूँ, लेकिन मेरे पतिदेव ना जल्दी बोलते नहीं हैं। गाइस आप लोग भी आए हमारे मसाला डोसा बनाया है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। कृष्णा चलिए आप भी ना, अभी देखते हैं और अच्छा बना होगा इस बार का। अरे वाह रेशु ये तो और अच्छा बन गया है ना, वही चिल्ले वाला हाल है, एक दो पहले खराब होते हैं लेकिन ये शुरुआत में भी अच्छा ही बना था, खराब में भी अच्छा ही बना था, जो मन को दिए अभी वो तो अच्छा ही बना था, अच्छा बना था वो थोड़ा सा। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, कोई हेल्पर हमको मिल जाता है ना तो कितना अच्छा रहता है। रेशु जब तक है ना तब तक किसी तरह के आइटम हम बनाते रहेंगे, खुद आप लोगों को भी खिलाएंगे, बच्चा पार्टी को भी खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। हम तो ज़्यादा नहीं खाते हैं लेकिन हाँ एक दो तो टेस्ट करेंगे ही। कितने अच्छे से बन रहा है। हम आ गए थे नीचे के रूम में जहाँ पर सासू माँ आराम कर रही और हमारी देवरानी रीता आ गई थी। इस बार ना रीता काफ़ी समय बाद आई है, तो हम मीना बैठे हुए हैं और कर रहे हैं आराम से बातें।
रीता के पास ना हम लोग 2-2.5 घंटे बैठे रहे, इसके बाद रीता भी गई अपने घर, हम भी आ गए हैं अपनी किचन में। तो यहाँ पर बर्तन तो रेसु साफ़ करके चली गई थी, अपनी किचन भी क्लीन कर लेते हैं। और जब वो तड़का दिए हैं ना, तो राई करी पत्ता और इतना चटपट चटपट हुआ है कि पूरी टाइल्स में हर जगह हो गया था। तो यहाँ पर हम सर्फ़ डाल करके अच्छे से अपनी किचन को क्लीन कर लेते हैं। और ज़रा सा अगर किचन में चिपचिपापन रहता ना, तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और अगर किचन ज़रा सा मैसी मैसी भी होती है ना, तो एकदम से हमको उलझन सी होने लगती है। इसलिए रूम जैसे अपना हम साफ़ करते हैं, वैसे अपनी किचन भी यहाँ पर क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर हम झाड़ू भी लगा लेते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद हम सोच रहे हैं कि आज ना काफ़ी अच्छा मौसम है, अब हमको आराम तो बिल्कुल नहीं करना है, हम जा रहे हैं छत में, क्योंकि मीना भी गई हुई है छत में। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं तीसरी मंजिल में, और यहाँ से ना पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं आप लोगों को ना। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, बादल देखिए ऐसे लग रहा है ना बिल्कुल पास में आ गए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग पहाड़ों में हैं। इतनी ठंडी हवा चल रही, इतना अच्छा मौसम है। इस मौसम में हम देवरानी जेठानी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो कुछ भी करेंगे ना आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आज चपड़ी गड़ गई, हमको गाड़ना नहीं आ रहा था, बीना को आता है ये यानी कूटी कूटी बोलते हैं हम, तो उस दिन हाथ लगा लगा के कैसे बज रहे हैं, और यहाँ पर चने की दाल यानी बन गई यानी दर गए चना। और उस दिन ना हमको ना दरना नहीं आ रहा था, यानी फूटी नहीं गड़ रही थी, और आज ना मीना ने आराम से गाड़ लिया। हम ना पानी भिगो भिगो करके उसको गाड़ रहे थे, और उसने पानी में भी नहीं भिगोया और खूंटी गड़ गई थी, और बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरा चने की दाल भी निकल आई। और आज ना दोपहर से बहुत ही ठंडा मौसम है, इतना अच्छा लग रहा है आपको, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ये देखिए छोटी सी सुपुलिया में कितने अच्छे से दाल साफ हो रही है। अच्छा, तुम्हारी तरफ भी इसको फटकना बोलते हैं ना, प्रतापगढ़ में उस दिन हम कह रहे थे इसको पछोरना बोलते हैं। चने में ना अगर ज़रा सा भी ढक लग जाए ना, तो उसे तुरंत ही दाल ही बना लेना चाहिए, नहीं अगर भिगो ना तो फिर खाने की इच्छा नहीं होती है। उसमें ना अजीब सा अंदर व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है। और ये दाल में कुछ भी बना सकते हैं आप, चने की दाल भी बना सकते हो, फरे बना सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे बच्चों को ना फरे बहुत पसंद हैं, तो वही 2-3 बार के लिए फरे बनाने के लिए है। आज का ब्लॉग कैसा लगा? अब ना शाम को, मतलब पूरा दिन ना थकावट नहीं, ऐसे मतलब थकावट नहीं लगती है, पर शाम को ना कुछ ऐसा होता है कि अब हम लोगों को ना चाय पीने का भी टाइम हो रहा है ना, लगता है यहीं छत में हमको चाय मिल जाए और चाय पी लेते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर खूंटी गाड़ना नहीं आता है तो मीना से सीख लीजिए। जय माता दी गाइस।